नमस्कार, जय हिंद। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। स्टडी लवर्स फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम यूनिट वन का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं उत्तराखंड एलटी के लिए, और इसमें यूनिट वन के लगभग सभी टॉपिक आपको कवर करवाए जाएंगे। 50+ एमसीक्यू होंगे, आपको अटेम्प्ट करते हुए चलना है हमेशा की तरह, और अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। हमारा थ्योरी सेक्शन जो है लगभग कंप्लीट हो चुका है। अभी भी अगर आप लोगों में से कोई ऐसा नीडी स्टूडेंट है या जिसको नीड है कोर्स की, तो वो ओनली 29 रुपीज में वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन मिलेगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन वही लोग ज्वाइन करें जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जिन्हें वाकई में नीड है, जो ऑलरेडी कोचिंग ले रहे हैं या जो कोर्स एक बार पढ़ चुके हैं, उनको ज्वाइन करने की वैसे भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। अगर आपको आवश्यकता है, आप महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो जरूर जुड़िए। हमारा उद्देश्य ये कोर्स से कोई पैसे कमाना नहीं है, बल्कि जरूरतमंद को अगर थोड़ी सी गाइडेंस हमारी मिलती है और वो उसे एक रास्ता सही मिलता है, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जिनको भी आवश्यकता है। सिलेबस लगभग पूरा करवा दिया गया है, बाकी पीडीएफ नोट्स जो है वो आपको अवेलेबल मिल जाते हैं। तो शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आज का हमारा है, शिक्षा और दर्शन के बीच संबंध को परिभाषित करने वाला कथन कौन सा है? तो लगभग सभी टॉपिक यूनिट वन के यहाँ पर कवर करवाए जाएंगे, और आपको इजी टू मॉडरेट लेवल में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको कथन कारण वाले भी मिलेंगे, तो टकटकी लगाकर वीडियो को देखना है, अटेम्प्ट करते हुए चलना है, और फाइनल स्कोर आपका कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो शिक्षा और दर्शन पहला जो हमारा टॉपिक था इस यूनिट का, तो इस संबंध को परिभाषित करने वाला कथन हमें चुनना है। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना है, ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। शिक्षा दर्शन के उद्देश्यों और विधियों का मार्गदर्शन करता है, ये सही कथन है। शिक्षा को और दर्शन का कोई संबंध नहीं है। हमने पढ़ा था कि शिक्षा और दर्शन का गहन संबंध है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक दूसरे में ये अंतर्निहित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, प्रकृतिवाद क्या कहता है कि विद्यार्थियों को स्वतंत्रता की ये बात करते हैं, उन्हें प्रकृति में छोड़ देना चाहिए, प्रकृति के अनुसार वो सीखे, यानी उनका प्राकृतिक विकास करना। अगला क्वेश्चन है, किस दर्शन का मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य समाज में परिवर्तन लाना है? कौन सा दर्शन मानता है कि शिक्षा का उद्देश्य समाज में परिवर्तन लाना है? तो इनमें से अगर बात की जाए, तो इनमें से जो है ये जो दर्शन है प्रैग्मेटिज्म, यानी प्रयोजनवाद। तो प्रयोजनवाद का मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य जो है, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है समाज में परिवर्तन लाना है, प्रयोजनवाद, जो जिसके जॉन डीवी जो है समर्थक रहे हैं। जॉन डीवी एक तरह से इसके फाउंडर भी माने जाते हैं। आदर्शवाद दर्शन के प्रमुख समर्थक कौन थे? तो इनमें से प्रमुख आदर्शवादी आपको बताने हैं, डीवी आपके अभी बताया हमने प्रयोजनवाद के, हो गए एरिस्टोटल, प्लेटो और सोक्रेटिस। तो इनका कहीं ना कहीं आदर्शवाद में योगदान है, लेकिन अगर प्रमुख समर्थक की बात करें तो वो प्लेटो हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन से शिक्षाविद ने अनुभव को शिक्षा का आधार माना? तो ये अनुभववादी शिक्षा, ये प्रैग्मेटिज्म की देन है, यानी प्रयोजनवाद की देन है। प्रयोजनवाद के जो फाउंडर हैं या प्रयोजनवाद से संबंधित, इनमें से सिंपल सा है, जॉन डीवी है, और जॉन ड्यूई भी लिखा होगा कहीं पे नाम, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है, रूसो के शिक्षा दर्शन होगा ये, रूसो के शिक्षा दर्शन का प्रमुख सिद्धांत क्या है? रूसो जो है प्रकृतिवाद के जनक हैं, रूसो प्रकृतिवाद से संबंधित हैं, और प्रकृतिवाद का जो प्रमुख सिद्धांत है वो प्राकृतिक शिक्षा ही है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गांधी जी के शिक्षा सिद्धांत में मुख्यतः किस पर बल दिया गया है? गांधी जी के शिक्षा सिद्धांत का बताना है कि मुख्य रूप से किस पर बल दिया गया है। तो गांधी जी एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे, धार्मिक शिक्षा की इन्होंने बात की है, तो इसके अलावा मुख्यतः किस पर बल दिया है? सैद्धांतिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, इन्होंने शारीरिक श्रम और नैतिकता पर बल दिया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जॉन डीवी जैसे कि बताया प्रैग्मेटिज्म से रिलेटेड है, तो इनके अनुसार शिक्षा का मुख्य जो उद्देश्य होगा वो क्या होगा? देखिए, इसमें समाज का विकास करना जो है ये मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सावित्री बाई फुले ने किस क्षेत्र में शिक्षा का अधिक प्रचार किया? देखिए, सभी टॉपिक्स कवर किए गए हैं,
अभी इजी क्वेश्चन आपको लग रहे हैं, धीरे धीरे ये मॉडरेट होते जाएंगे। सावित्री बाई फुले की अगर बात की जाए तो सावित्री बाई फुले को भी हमने पढ़ा था डिटेल में, इनके क्या क्या कार्य थे एजुकेशन। तो इन्होंने बालिका शिक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो बालिकाओं की शिक्षा हो जाएगा। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो स्वामी विवेकानंद की अगर बात की जाए तो इनके अकॉर्डिंग शिक्षा का उद्देश्य हमें बताना है। तो स्वामी विवेकानंद ने मुख्यतः जो है आध्यात्मिकता का विकास पर बल दिया था। तो आध्यात्मिकता का विकास स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के किस सिद्धांत पर बल दिया? तो टैगोर की अगर बात की जाए, टैगोर का जो शिक्षा दर्शन है, इन्होंने जो है बात की है समग्र शिक्षा की। तो इनमें से अगर सही ऑप्शन की बात की जाए तो समग्र शिक्षा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अध्यापन और दीक्षा के बीच मुख्य अंतर क्या है? देखिए ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, अध्यापन और दीक्षा के बीच। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करेगा कि आप अध्यापन यानी जो शिक्षण है उसको और जो दीक्षा ली जाती है उसमें अंतर कर पाते हैं या नहीं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए, अध्यापन औपचारिक होता है जबकि दीक्षा अनौपचारिक होती है। बिल्कुल सही बात है, जो अध्यापन है ये औपचारिक है, समय फिक्स है, नियम है, इसके नियमों के अनुसार चलना होता है। लेकिन दीक्षा क्या है? अनौपचारिक होती है। कुछ भी आप बेहतर ज्ञान प्राप्त करते हैं या कुछ अच्छा अनुभव सीखते हैं, कुछ अच्छा व्यवहार सीखते हैं, तो वो सब आपका दीक्षा के अंतर्गत आ जाएगा। अध्यापन में अनुशासन होता है जबकि दीक्षा में स्वतंत्रता होती है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अध्यापन में विषय का ज्ञान दिया जाता है जबकि दीक्षा में मूल्य और नैतिकता सिखाई जाती है। तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, शिक्षा का कौन सा स्रोत पारंपरिक शिक्षा का हिस्सा नहीं है? यानी इनमें से अगर बात की जाए तो कौन सा सोर्स है ऐसा जो ट्रेडिशनल एजुकेशन का पार्ट नहीं है? तो यहाँ पर अगर देखा जाए, परिवार जो है ट्रेडिशनल, एजुकेशन विद्यालय समुदाय, इंटरनेट, इनमें से जो है ये मॉडर्न है, ट्रेडिशनल नहीं है। अगला देखिए, 21वीं सदी में शिक्षा के मुख्य मुद्दों में क्या शामिल नहीं है? यानी 21वीं सदी के जो मुख्य मुद्दे हैं शिक्षा के, इनमें से क्या उसमें शामिल नहीं है? तो यहाँ पर देख सकते हैं डिजिटल विभाजन शामिल है इसमें, नैतिकता का पतन भी धीरे धीरे हो रहा है, ये भी बिल्कुल सही बात है, शारीरिक शिक्षा का अभाव। तो शारीरिक शिक्षा का अभाव भी नहीं है, शारीरिक शिक्षा का अभाव नहीं है 21वीं सदी की शिक्षा में, तकनीकी प्रगति तो है ही, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए मिल सकते हैं। अब एक टॉपिक हमने बहुसंस्कृतिवाद भी पढ़ा था, मल्टीकल्चरिज्म, और ये आपका यूनिट 4 में भी एक टॉपिक था। तो दोनों के लिए हमने कुछ प्रैक्टिस सेट भी डिस्कस किए थे। जो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं वो तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट ऑलरेडी आपको अवेलेबल मिलेंगी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, एकल संस्कृति को प्रोत्साहन देना, बहुसंस्कृतिवाद का महत्व बताना है। तो एकल संस्कृति को प्रोत्साहन देना इसका महत्व नहीं है। दूसरा है विभिन्न संस्कृतियों के बीच समझ और सम्मान बढ़ाना, तो ये स्टेटमेंट सही है। इनमें से देखिए, केवल विदेशी संस्कृतियों का अध्ययन करना शिक्षा के पाठ्यक्रम को जटिल बनाना, केवल ऑप्शन नंबर बी सही है। राष्ट्रीय एकता में शिक्षक की क्या भूमिका है? तो ये भी टॉपिक डिस्कस किया था, राष्ट्रीय एकता, शिक्षक की क्या भूमिका है, इसके लिए अलग से टॉपिक डिस्कस किया था। तो शिक्षक की भूमिका क्या होती है इसमें? सामाजिक एकता को प्रोत्साहित करना जो है ये शिक्षक की भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस मूल्यों को सम्मिलित नहीं किया गया है? देखिए हमारी जो, जब आप प्रियम्बल पढ़ते हैं तो उसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये तीनों वर्ड्स हैं, धन संपत्ति का वर्णन उसमें नहीं है। अगला प्रश्न है, अब आपके पास कथन और कारण वाला एक प्रश्न है। कथन ए कहा गया है कि वैश्वीकरण शिक्षा के लिए चुनौतियों का निर्माण करता है। वैश्वीकरण जो है यानी जो ग्लोबलाइजेशन है वो शिक्षा के लिए चुनौतियों का निर्माण करता है। हाँ, शिक्षा के लिए चुनौतियों का निर्माण कर रहा है ग्लोबलाइजेशन, जैसे जैसे हो रहा है, हम अलग अलग देशों के एजुकेशन देख रहे हैं, तो हमारी शिक्षा के लिए या जो अलग अलग देशों की शिक्षा के लिए चुनौतियों का निर्माण हो रहा है, यानी पहला स्टेटमेंट तो ठीक है। वैश्वीकरण के कारण शिक्षा में असमानता बढ़ रही है, असमानता नहीं बढ़ रही है, वैश्वीकरण के कारण जो है शिक्षा में धीरे धीरे समानता लाने का, वैश्वीकरण किया ही इसलिए जा रहा है ताकि शिक्षा में समानता लाई जा सके। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ए वाला, सही है, लेकिन आर जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के संदर्भ में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वैश्वीकरण के संदर्भ में क्या है कि
एक तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रतिस्पर्धा करना इनमें से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा और समाजशास्त्र के बीच संबंध को परिभाषित करने वाला कथन कौन सा है? शिक्षा और समाजशास्त्र के बीच संबंध को परिभाषित करने वाला कथन हमें इनमें से चुनना है। तो यहाँ पर देखिए, शिक्षा केवल व्यक्तिगत विकास के लिए है? नहीं, शिक्षा समाज के सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देती है, ये वाला स्टेटमेंट सही है। बाकी के भी चेक कर सकते हैं, समाजशास्त्र का शिक्षा से कोई संबंध नहीं है, गलत हो गया। केवल आर्थिक विकास के लिए है, ये भी गलत हो गया। शिक्षा को एक निवेश के रूप में देखने का क्या अर्थ है? यानी शिक्षा को हम एक इन्वेस्टमेंट के रूप में देखते हैं, इसका क्या मीनिंग है? तो इसका मीनिंग है आपके लिए कि शिक्षा पर जब हम इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे आप लोग अपनी शिक्षा पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये आपको सामाजिक लाभ भी देगा, आर्थिक लाभ भी देगा। तो मूल्य केवल डिग्री के लिए होता है, सही आंसर जो है वो सामाजिक और आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती है। यानी आपने एजुकेशन पे निवेश किया है, अब ये जरूरी नहीं है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी तभी वो आपको आर्थिक, एक शिक्षित व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ बेहतर काम कर लेता है। अगला देखिए, विद्यालय को समाज के परिवर्तन का एक एजेंट क्यों माना जाता है? कि विद्यालय को सामाजिक परिवर्तन के एजेंट के रूप में, एक टॉपिक हमने डिस्कस किया था, तो क्यों माना जाता है? क्यों, यह केवल ज्ञान प्रदान करता है? नहीं, ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ ये सामाजिक और नैतिक मूल्यों का प्रसार भी करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, शिक्षक को एक सामाजिक सुधारक माना जाता है क्योंकि वह क्या करता है? शैक्षणिक ज्ञान देता है, समाज में नैतिकता और मूल्य स्थापित करने में योगदान देता है, प्रशासनिक कार्य करता है, या केवल परीक्षा आयोजित करता है? तो इनमें से जो सही आंसर है वो है आपका, समाज में नैतिकता और मूल्य स्थापित करने में योगदान देता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञान प्रणाली का उद्देश्य क्या है? इंडियन जो नॉलेज सिस्टम है, ये भी एक टॉपिक है हमारे पास, और इसका उद्देश्य क्या है ये हमें बताना है। ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, केवल धार्मिक ज्ञान प्रदान करना? नहीं, आध्यात्मिकता, नैतिकता और सांस्कृतिक ज्ञान का प्रचार, ये भारतीय ज्ञान प्रणाली का उद्देश्य है। इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है उसका उद्देश्य है कि आध्यात्मिकता, नैतिकता और सांस्कृतिक ज्ञान का प्रसार करना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, मूल्य संवर्धन में पाठ्यक्रम की क्या भूमिका होती है? मूल्य संवर्धन में पाठ्यक्रम की भूमिका हमें बतानी है। तो यहाँ पर देखिए, पाठ्यक्रम की भूमिका की बात करनी है, तो केवल शैक्षणिक ज्ञान प्रदान करना? नहीं, नैतिक और सामाजिक मूल्यों का समावेश करना जो है मूल्य संवर्धन में है। मूल्य संवर्धन भी हमारे पास एक टॉपिक था। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य हमें बताना है, तो सिंपल सा हो गया, पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता के प्रति जागरूकता बढ़ाना जो है पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य हो गया। प्रगतिशील शिक्षा के किस दार्शनिक ने शिक्षा के अनुभव पर जोर दिया है? यानी प्रगतिशील शिक्षा का कौन सा ऐसा दार्शनिक है जिसने शिक्षा के अनुभव पर जोर दिया है? तो अनुभववादी जो है इनमें से जॉन डीवी हो गए, और यही प्रैग्मेटिस्ट प्रयोजनवादी भी हैं। अध्यापन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अध्यापन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विषय का ज्ञान देना या विद्यार्थियों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना, केवल परीक्षा की तैयारी करवाना, या विद्यार्थियों में अनुशासन का विकास करना? अध्यापन का अगर इनमें से मुख्य उद्देश्य, देखिए अनुशासन का विकास करना भी जरूरी है, लेकिन मुख्य उद्देश्य की अगर बात की जाए तो विद्यार्थियों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना, यानी सर्वांगीण विकास मुख्य कार्य होता है अध्यापन का। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा और समाज का आपसी संबंध किस दार्शनिक के अनुसार है? शिक्षा और समाज का आपसी संबंध जो है किस दार्शनिक के अनुसार है? तो यहाँ पर जो है, ये शिक्षा और समाज का जो आपसी संबंध है, समाज के विकास की बात किसने की थी? प्रयोजनवादियों ने की थी, यानी जॉन डीवी ने की थी। सत्य और यथार्थ के अध्ययन पर जोर देने वाला दर्शन कौन सा है? तो ये आपके लिए आसान सा प्रश्न हो गया एक, कि कौन सा दर्शन है जो सत्य और यथार्थ, यथार्थ यानी यथार्थवाद, तो यथार्थवाद हो जाएगा। हमने पढ़े हैं सारे दर्शन। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा प्रणाली का प्रमुख तत्व क्या है? जो गांधी जी की बुनियाद बेसिक शिक्षा बोलते हैं, या नई तालीम भी इसको बोला गया था, नई तालीम, जो बेसिक शिक्षा प्रणाली थी उनकी वर्धा शिक्षा सम्मेलन से इसकी शुरुआत हुई थी,
इसका जो है प्रमुख तत्व तो हमें चुनना है। तो इसका प्रमुख तत्व तो की अगर बात की जाए, धार्मिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, नैतिक शिक्षा, तो ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि गांधी जी ने नैतिक शिक्षा पर भी बल दिया था, धार्मिक शिक्षा पर भी बल दिया था, व्यावसायिक प्रशिक्षण की भी वो बात करते हैं, लेकिन बेसिक शिक्षा के लिए उन्होंने शारीरिक श्रम और आत्मनिर्भरता को विशेष फोकस किया था, जो फिर से एक बार 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें इसको शामिल करने पर बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन है फिर से यहाँ पर जो स्किल की एजुकेशन है उस पर बात की जा रही है, और फिर से कथन कारण है। कथन ए है, स्कूल समाज का एक मिनिएचर रूप है, यानी मिनिमम रूप है, लघु रूप है एक तरह से समाज का। स्कूल जो है समाज का एक लघु रूप है। कारण इसके लिए दिया गया है कि स्कूल समाज के विभिन्न तत्वों और मूल्यों को विद्यार्थियों के जीवन में शामिल करता है। तो क्या हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, या ए आर दोनों है सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, या ए सही है और आर गलत है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो स्कूल समाज का लघु रूप है, ये स्टेटमेंट था किसी दार्शनिक का। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन तो ये एक्स्ट्रा है आज का, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, विद्यालय समाज का लघु रूप है, किसने कहा था। कारण बताया गया है कि स्कूल समाज के विभिन्न तत्वों मूल्यों को विद्यार्थियों के जीवन में शामिल करता है, तो कारण भी सही है, और जो कारण है वो इस कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, कथन दिया गया है, जॉन डीवी का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य समाज को बदलना है। ये बिल्कुल सही बात है, हमने कई बार इसी वीडियो में ये स्टेटमेंट पढ़ लिया है। और दूसरी बात की गई है, कारण इसके लिए दिया गया है क्योंकि डीवी जो है शिक्षा में अनुभव और प्रयोग को मुख्य मान्यता दी थी। तो ये भी सेम सेम क्वेश्चन हो गया, यानी कथन आपका सही है और कथन की व्याख्या ये कारण कर रहा है, यानी ए और आर दोनों कथन सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है, फिर से कथन दिया गया है, शिक्षा समाज के आर्थिक विकास में सहायक है। बिल्कुल सहायक है, और कारण दिया गया है, शिक्षा व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। तो बिल्कुल अब कारण भी सही है, कथन भी सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, कथन दिया गया है आपको कि नैतिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में नैतिकता और सद्गुणों का विकास करना है। कथन बिल्कुल सही है, और कारण दिया गया है, नैतिक शिक्षा बच्चों को केवल धार्मिक शिक्षा प्रदान करती है। तो केवल धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं करती है नैतिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा जो है धार्मिक शिक्षा के साथ साथ एक अच्छा आचरण व्यवहार की शिक्षा भी प्रदान करती है, यानी ए सही है और आर जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, किस शिक्षा शास्त्री ने कहा कि शिक्षा जीवन के लिए तैयारी नहीं है बल्कि जीवन ही है, यानी शिक्षा केवल जीवन की तैयारी नहीं बल्कि जीवन ही शिक्षा है, और स्टेटमेंट आपको याद आ रहा होगा, अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को नोट भी करवाया था जब पढ़ा रहे थे इस टॉपिक को। तो सही आंसर जो है वो आपका हो जाएगा, ये जॉन डीवी का स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक का कौन सा गुण राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में सहायक होता है? विषय ज्ञान है, अनुशासन प्रियता है, समानता और निष्पक्षता है, या कड़ी मेहनत है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा, समानता और निष्पक्षता जो है वो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में सहायक होता है। कौन सा सिद्धांत शिक्षा में विद्यार्थियों के आत्मनिष्ठ विकास पर जोर देता है? अब इनमें से कौन सा दर्शन है जो आत्मनिष्ठ विकास पर जोर देता है? तो इनमें से अगर देखा जाए, यानी आत्मनिष्ठ विकास यानी सेल्फ डेवलपमेंट आप बोल सकते हैं, या स्वयं के विकास पर जो बल देता है, तो वो इनमें से जो है प्रकृतिवाद हो गया सही आंसर आपका। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का सर्वोत्तम लक्ष्य क्या है? सर्वोत्तम लक्ष्य पूछा गया विवेकानंद के अनुसार, ऑप्शन देख लीजिए, नौकरी प्राप्त करना, ज्ञान का संचय, आत्मबोध और आत्मविकास, या फिर सामाजिक सेवा। सही आंसर है आत्मबोध और आत्मविकास। अगला प्रश्न है, शिक्षा में समग्र विकास का क्या मतलब है? समग्र विकास का मतलब होता है सभी प्रकार के, यानी जो व्यक्ति के सभी पक्ष हैं, सभी पक्षों का विकास, शारीरिक भी, मानसिक भी, सामाजिक भी और नैतिक भी। अगला प्रश्न है, गिज्जू भाई बढ़े का, याद आ रहा है नाम इनका, ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? चलो एक क्वेश्चन आपके लिए ये है, इनके उपनाम हमने कुछ पढ़े थे, आपको जो याद आ रहे हैं
अच्छा, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो ईमानदारी से किया कीजिए, आपको जो आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उतने मार्क्स टाइप किया कीजिए। और अगर मैंने पूछा कि जो भाई बधे का के जो उपनाम है अगर आपके दिमाग में एक्चुअल टाइम पे आ रहे हैं तो आप लिखिए, नहीं आ रहे हैं तो कोई ना कोई लिखेगा, और कोई नहीं लिखेगा तो मैं जरूर लिख दूंगा, तो आपका रिविजन वैसे भी करवा दिया जाएगा। लेकिन आप जो है ईमानदारी से आंसर कीजिए कि एक्चुअल टाइम में इसका आंसर आप कर पा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में तो ऐसा नहीं होगा ना कि आप गूगल की मदद ले लोगे। तो इनका जो है विशेष योगदान बाल शिक्षा पे था, ऑप्शन नंबर बी। इनके उपनाम आपको बताना है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य क्या है? तो जो हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है इसका उद्देश्य क्या है? केवल शैक्षणिक ज्ञान प्रदान करना, इसका उद्देश्य है व्यक्तियों को जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए तैयार करना। आदर्शवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? भौतिक सत्य की खोज, नैतिक और आध्यात्मिक सत्य की खोज, वैज्ञानिक अनुसंधान या व्यावसायिक कौशल का विकास। सही आंसर आपका है नैतिक और आध्यात्मिक सत्य की खोज। शिक्षा के द्वारा समाज में परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है? शिक्षा के द्वारा समाज में परिवर्तन कैसे ला सकते हैं? केवल शैक्षणिक ज्ञान द्वारा, नैतिक और सामाजिक मूल्यों के समावेश द्वारा, खेल और शारीरिक शिक्षा द्वारा, आर्थिक शिक्षा द्वारा। तो मुख्य जो है नैतिक और सामाजिक मूल्यों के द्वारा जो है समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। कौन सा दर्शन शिक्षा में क्यों और कैसे पर बल देता है? अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा दर्शन है जो क्यों और कैसे पर बल देता है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रैग्मेटिज्म या प्रकृतिवाद। आंसर है आपका प्रैग्मेटिज्म, जो है क्यों और कैसे पर यानी तर्क पे बल देता है ये। फिर से कथन कारण है, कथन है कि भारतीय संविधान शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देता है। बिल्कुल देता है। कौन सा अमेंडमेंट है ये कमेंट बॉक्स में बताएं, कौन से अमेंडमेंट के द्वारा शिक्षा को फंडामेंटल राइट बना दिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज में यह था और इसको फंडामेंटल राइट्स में लाया गया, कौन सा अमेंडमेंट था? ये भी आपके लिए एक और क्वेश्चन हो गया। कारण दिया गया है शिक्षा हर नागरिक का मौलिक अधिकार है ताकि वह समाज में समान अवसर प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, देखिए कथन भी सही है और कारण भी सही है, और जो कारण दिया गया है आर वो एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया? तो ये वो वाली डेट है जो आपकी प्रियम्बल पर लिखी होती है। थोड़ा सा प्रियम्बल भी आप लोग पढ़ लीजिएगा एक दो बार, ताकि क्योंकि कभी कभी क्या होता है प्रियम्बल के वर्ड्स दे देता है अरेंज करने को, एक स्टेटमेंट यहाँ से दे देगा प्रियम्बल से, दो तीन स्टेटमेंट, फिर आपको अरेंज करने को बोलेगा कि सही क्रम में इनको लगाइए, इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो प्रियम्बल थोड़ा सा पढ़ के जाना जरूरी है। इसका जो सही आंसर है ये तो आपको पता ही है, 26 नवंबर 1949। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन कब मनाया जाता है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आपको पता ही है, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती भी मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो विश्व धर्म महासभा में कब भाषण दिया था? तो अगेन ये तो ध्यान होना चाहिए, ईयर अगर आपको ध्यान है तो आसानी से 1893 में। अगला क्वेश्चन है, सावित्री बाई फुले ने पुणे में पहला महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया था? सावित्री बाई फुले ने पुणे में पहला महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया था? अब ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ईयर्स दिए गए हैं, तो ये आपको एज इट इज याद ही करने पड़ेंगे। इनके लिए कोई ऐसी ऐसा ऑप्शन नहीं होता है कि आप अपनी समझ के आधार पे लगा दोगे। तो सही आंसर है 1848। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अन्याय और जातिवाद के खिलाफ अपना पहला भाषण कब दिया था? तो ये इन्होंने दिया था 1927 में, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। तो एक और क्वेश्चन है, सावित्री बाई फुले ने पहला महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित, ये तो हो गया। रविंद्रनाथ ठाकुर जो कि रविंद्रनाथ टैगोर हैं, शांति निकेतन की स्थापना कब की थी? शांति निकेतन की स्थापना जो है कब की थी, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शांति निकेतन क्वेश्चन आपके पास बन सकता है भाई, और जीएस में भी बन सकता है क्योंकि हाल ही में चर्चा में रहा है। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि शांति निकेतन जो है वर्तमान में क्यों चर्चा में है, तो शांति निकेतन की स्थापना कब की गई थी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका 1901। जवाहरलाल नेहरू ने मूल्य शिक्षा पर अपने विचार कब प्रस्तुत किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू ने मूल्य शिक्षा पर 1959 में अपने विचार प्रस्तुत किए थे। तो कुल मिलाकर ये जो है क्वेश्चन नंबर हो गया 54,
54 क्वेश्चन हो गए आपको, कितने मार्क्स आपने 54 में से लाए हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो आपको कैसा लगा, ये प्रयास था हमारा, स्टार्ट हमने किया है। देखिए थोड़ा सा आपको लगा होगा कि ऑप्शन जो है उतने ठीक लेवल के नहीं बन पाए हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है, ये क्वेश्चन जो है किसी बुक की हेल्प से नहीं, मैंने खुद क्रिएट किए हैं, तो थोड़ा सा हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा कमी जरूर होगी, ये मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ। और आने वाले वीडियोस में थोड़ा सा मॉडरेट लेवल, थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि हर यूनिट का हम इस तरह का टेस्ट पेपर बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि हर टॉपिक हमारा कवर हो। अगर उससे रिलेटेड फैक्ट हमारे आ रहे हैं, हर टॉपिक से रिलेटेड रहे हैं, तो इससे हमारा एक तो अच्छा रिवीजन हो जाएगा, दूसरा अगर कहीं फैक्ट में अगर आपको डाउट लगता है तो अभी आपके पास टाइम है, आप उस टॉपिक को जाके थ्योरी सेक्शन में जाके रिवाइज कर सकते हो जिसमें भी आपको डाउट लग रहा है। तो ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज आपका चेक होगा इन वीडियो से, ऐसी मुझे उम्मीद है। आपको कैसा लगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पसंद आता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और खासकर ऐसे दोस्तों तक हमारे कोर्स की जानकारी जरूर पहुंचाएं जिनको नीड है इस कोर्स की। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।